नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं नेशनल रेल म्यूजियम में, दिल्ली में। और अच्छी बात यह है कि एक वुमेंस डे है और वुमेंस डे में मुझे बुलाया गया है स्टोरी टेलिंग सेशन के लिए। तो अभी हम अंदर जाएंगे थोड़ी देर बाद, और जो भी विजिटर यहाँ पे आते हैं उनके सामने मुझे कहानी सुनानी है। और कहानी का जो थीम है वो मैंने अभी तो फिलहाल मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, अंदर ही बताऊँगी। तो कहीं ना कहीं वुमेन और रेलवेज को मिलाते हुए बहुत प्यारी सी कहानी मैंने तैयार की है जो मैं सुनाऊंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कहानी मेरे विजिटर्स को, यहाँ के विजिटर्स को पसंद आएगी। तो चलते हैं अंदर और मिलते हैं सेशन में। मेरे श्रोताओं को आप सबका नमस्ते। ये हैं दीपाक्षी एंड आप रीना तरुणा। तो आप लोगों ने आज इनवाइट किया, तो किस उपलक्ष्य में, क्या क्या आप लोगों का, मतलब क्या चल रहा है आज रेल म्यूजियम में वुमेन्स डे के दिन? हम लोग आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, जिसमें हमने सारी वुमेन्स को यहाँ पे इनवाइट किया है। और उसके साथ ही साथ हमने इंडोर अपने गैलरी में फोक आर्ट की एक एग्जीबिशन भी मैंने यहाँ पे लगाई है जी। और आप जैसे लोगों को भी यहाँ इनवाइट किया है, तो प्लीज आप एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी हमें सुनाएं जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड दीपाक्षी, मैं थोड़ा सा बोलूंगी क्योंकि आज बिकॉज ये हमारा दिन है आज, बिल्कुल एक वुमेन का डे है। तो इससे बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम जैसे लोग एक साथ इकट्ठे होके एक मैटर, एक चीज को फैला रहे कि क्या इम्पोर्टेंट है, एक वुमेन क्या करती है, सिर्फ घर तक नहीं सीमित है, यहाँ भी आके कितना कुछ वो कर सकती है। बिल्कुल। सो इट्स ऑल अबाउट यू नो फोक आर्ट। फोक आर्ट को हम यहाँ पे एक तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं, एंड दीज आर ऑल फोक आर्टिस्ट हु आर ऑल लेडीज एंड हु आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड प्लस द पीपल लाइक यू हु यू नो इंस्पायर सो मच ऑफ अस, दैट यू नो you're not only a housewife but you're a conservator, yeah, plus you're a storyteller who's remarkably so thank you so much. It's just a platform to encourage each one of us. Each thank one you. Of us. Thank you so much. Thank you. समय बढ़ता है, लड़का वेट कर रहा है जल्दी से सेमेस्टर खत्म हो और मैं जाऊं, और इस बार तो मैं सेंटी को अपने साथ ही लेके आऊंगा, चाहे मुझे देहरादून ले जाना पड़े चाहे मैं दिल्ली ले आऊं। वो स्टेशन में पहुंचता है और उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को ढूंढ रही है। पूरी जगह ढूंढने के बाद उसे लड़की नहीं मिलती। वो स्टेशन मास्टर के पास जाकर पूछता है कि क्या आपने देखा है उस टोकरी वाली लड़की को? बुजुर्ग से होते हैं, अपने काम से थके हुए होते हैं, बहुत तेज डांट देते हैं, क्या तुम यहाँ पे लड़की लेके आते हो? मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। लेकिन एक यंग लड़का वहां पे होता है, वो कहता है हाँ साहब वो लड़की थी, लेकिन काफी टाइम से वो नहीं आ रही है। लड़का हिम्मत नहीं हारता है, सोचता छुट्टी खत्म हो गया आऊंगा, और किसी तरह लड़की को कहता है कि कभी मिलिए तो मेरा मैसेज उस तक दे देना, क्या ही छोटी है। वो लड़का वापस आता है लेकिन वो लड़की उसे उस दिन नहीं देती। अब यहाँ दो चीज हो सकती है, कई बार इस बीच वो आता है जाता है आता है जाता है, लेकिन वो लड़की उसको दोबारा कभी नहीं। एक बार ये जो लेखक है वो ये सोचता है कि मैं ट्रेन से उतर जाऊँ, इसी जगह को अपना डेस्टिनेशन बना लूँ, और ये जो रजिस्टर्ड दीवारें हैं शहर के चारों तरफ उसके अंदर जाऊँ और लड़की को ढूंढूँ और ढूंढ के उससे शादी करूँ। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो अच्छा दिल होता है वो उसको सलाह देता है कि ऐसा मत कर। क्यों? क्योंकि उसको ये
ये ख्याल आता है कि मैं जाऊंगा, अब बहुत साल हो चुके हैं उस लड़की को मिले हुए, वो लड़की बड़ी थी उम्र में, हो सकता है अब उसकी शादी हो गई हो, वो घर बसा के बैठी हो, मैं जाके उसके लिए भी दिक्कतें खड़ी कर दूं और वो लड़की मुझे देख के क्यों बे मना कर रहा हूँ, पहली बैग मैं नहीं लेकर आऊंगा, तुम से आ रही हो तुम भी सर की तरफ से, सर डायरेक्टर है और सर ने छोटा सा गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच सर, और बुलाते रहिएगा फिर आते रहेंगे, और आपको क्राफ्ट म्यूजियम में निमंत्रण है हमारी तरफ से, आप सब आइए और वहाँ मेरी जिम्मेवारी आप लोगों को घुमाऊंगी, दिखाने की।